प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आज 21 दिन पूरे होने के मौके पे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 19 दिन यानी 3 मई तक इस लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि कम्युनिटी स्प्रेडिंग कोरोना वायरस का ना हो सके। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस एक्सटेंशन का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सही है कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग रोकने के लिए और कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाना जरूरी था, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये तो जरूर कहा, उन्होंने 7 सुझाव दिए प्रधानमंत्री ने कि क्या क्या देश की जनता को करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहीं नहीं बताया कि सरकार क्या करने जा रही है या सरकार ने पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस से जुड़े क्या क्या उपाय किए हैं और आने वाले वक्त में अगले 19 दिन में सरकार क्या करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री को पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई सारे सुझाव दिए और आज फिर प्रधानमंत्री से ये कहा है कि आपने जनता को तो सुझाव दे दिया लेकिन सरकार को भी एक रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए कि सरकार अगर एक्सटेंशन को बढ़ा रही है तो उसको लेकर सरकार की क्या नीति है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एक मास लेवल पे एक पलायन हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो घर लौटे, जिनको कई जगह पे रास्तों में रोक दिया गया, क्वारंटीन किया गया, उनके 14 दिन की जो क्वारंटीन की मियाद है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो उनके घर वापसी को लेकर सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सरकार उनको उनके घरों तक वापस जाने के लिए सहयोग करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर कहा कि जो PPE किट है या जो टेस्टिंग की बात है उसको लेकर सरकार की क्या नीति है, कितने टेस्टिंग अब तक किए गए हैं और आने वाले समय में सरकार कितने टेस्टिंग करने जा रही है। इसके साथ ही मनरेगा के अंदर जो मजदूर हैं उनकी संख्या घटी है, उसको लेकर क्या सरकार की नीति है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही हैं कि मनरेगा के तहत और जनधन अकाउंट के तहत लोगों के खाते में पैसे जाने चाहिए और कम से कम 6 महीने तक लोगों को राशन और अनाज मिलना चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात उसमें कुछ भी नहीं कहा, संबोधन में कुछ नहीं कहा। लॉकडाउन की वजह से कई सारी संस्थाएं अपने यहाँ जो कर्मचारी हैं उनको निकाल रही है, उसको लेके मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार अपील किए जाने के बावजूद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनको लेकर क्या प्रधानमंत्री के अपील का अगर उनके ऊपर असर नहीं हो रहा है तो क्या सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है। हम ये समझ सकते हैं कि इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना अनिवार्य है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। पिछले 21 दिन में अगर सबसे कोई भयानक तस्वीर उभर के आई वो तस्वीर थी कि हमारे शहरों में जो लोग गांव से आके काम करते थे, जिनको हम माइग्रेंट्स कह देते हैं पर वो हमारे देशवासी हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, हमारे शहरों को चलाने के लिए अपना घर बार छोड़ के शहर आते हैं, वो जब लाखों की तादाद में वापस जाने लगे और उनको प्रदेशों की सरहदों पे रोका गया, क्वारंटाइन किया गया, कैंपों में रखा गया है, तो जिन लोगों के 14 दिन पूरे हो गए आप क्या व्यवस्था करेंगे उनको अपने घर वापस पहुंचाने के लिए, जो कटाई है कटाई को लेके क्या रणनीति है, फसल खेतों में खड़ी है किस तरह से आप लोगों को फसल काटने की इजाजत देंगे, वो जो कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में फंसे हुए हैं, पंजाब हरियाणा जहां पर अब उनकी जरूरत है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह आप उनको वापस आने देंगे, जो सबसे गरीब लोग हैं जो मनरेगा के सहारे अपनी गुजर बसर करते हैं, मनरेगा में जो रोजगार है वो फरवरी और मार्च के महीने के बनस्पत सिर्फ 1% रह गया है, 1.9 लाख परिवारों को अप्रैल के महीने में रोजगार मिला है, यही आंकड़ा 6 करोड़ और 8 करोड़ था मार्च और फरवरी के महीने में। इसी तरह से
हमने मांग की है कि जिनके एक्टिव जॉब कार्ड्स हैं मनरेगा में, आप उनको फुल वेजेस दीजिए, जिससे कि वो अपना परिवार तो चला सकें, वो अपना अपना घर तो चला सकें। आप उन मालिकों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे जो आपकी अपील के बावजूद, आपके श्रम मंत्रालय के वक्तव्य के बावजूद इस समय लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं? आप सब लोगों को मालूम है कि आपकी खुद की इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग जो अपनी बॉटम लाइंस को प्रेफर करते हैं, ना कि अपने जो कर्मचारी हैं उनके परिवारों को, उनका उनकी देख रेख को, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी इस रिट्रेंचमेंट को रोकने के लिए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। इसी तरह से कई सारे और सुझाव कांग्रेस पार्टी और मनीष तिवारी की तरफ से आज दिया गया, और इनसे ये कहा गया कि लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर जनता से ये चाहती है कि वो तमाम तरह के जो प्रिकॉशंस हैं वो रखे, तो सरकार को भी अपने जनता के सामने रोड मैप रखना चाहिए तमाम चीज़ों को लेकर, जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है, रबी की फसल होनी है, हार्वेस्टिंग किस तरह से होगा, उसके लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लौट चुके हैं उनको किस तरह से हार्वेस्टिंग से जोड़ा जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार से लोगों की अपेक्षा है कि सरकार लोगों को ये बात बताए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।